दुनिया के सामने बता दे आज किसने भेजा है, दोस्त ने भेजा। कमेंट करके बताना कि विपिन का दोस्त हम रिवील करें या ना करें। बर्थडे गाइस, एक इंडियन फैमिली की निशानी दिखाऊं। सो हे गाइस, वेलकम टू माय एपिसोड एंड मेक श्योर आप लोग सब अच्छे होंगे। तो गाइस, ये व्लॉग मैं दिन के 1 बजे स्टार्ट कर रहा हूँ, और जैसे कि आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा था कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट व्लॉग में अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाएंगे। थोड़ा बाहर वगैरह प्लान बन रखा था बाहर का, बट गाइस मैं नहीं जा पाया क्योंकि आज सुबह से मैं मम्मी जी के साथ ना हॉस्पिटल में था सुबह 7 बजे से, क्योंकि ना निक्की की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है। क्या 1 हफ्ते से 7 दिन से ना उसकी ज्यादा तबीयत खराब हो रखी है, तो उसी के चक्कर हम लोग गए थे। तो रिपोर्ट वगैरह आए थे ना, तो रिपोर्ट वगैरह देखने गए थे। रिपोर्ट में थोड़ा ब्लड की कमी है उसके, और मतलब हफ्ते भर से ना वॉमिटिंग हो रही है उसको हफ्ते भर से, और कभी बुखार चढ़ता उतरता है, तो यही सब हो रहा है। तो उसी के चक्कर में हम लोग ना सुबह से हॉस्पिटल में थे। फिलहाल तो अभी मैं घर पर आ चुका हूं, और मम्मी डायरेक्ट वहीं पे जॉब पे जा चुकी है। अभी तो फिलहाल निक्की अपने रूम में रेस्ट कर रही है। और गाइस, आप लोगों ने फील करा होगा जब फैमिली में ना किसी मेंबर की तबीयत खराब होती है ना, तो कुछ ज्यादा टेंशन हो जाती है, मतलब नेगेटिव वाइब्स आ जाते हैं। और जब खुद की तबीयत खराब होती है फिर खुद को कुछ हो जाता है, तो मतलब इतना वो नहीं होता, इतनी टेंशन वाली बात नहीं होती है। मतलब खुद ही मैंने फील करा कि कभी मेरे को कुछ हो जाता है ना, मैं फैमिली को कुछ बताता नहीं हूँ। जब तक कुछ ज्यादा नहीं हो जाता ना, जब तक मैं कुछ बताता नहीं हूँ। बट अगर फैमिली में किसी को हो जाता है ना, मम्मी को, पापा को, भाई बहनों, किसी को भी हो जाता है, नेगेटिव वाइब आ जाती है कि मतलब यार जल्दी जल्दी बस ठीक हो जाए, बस ये रहता है फैमिली में। फिलहाल तो अभी निक्की ऊपर वाले रूम में रेस्ट कर रही है, और नेहा भी उसी के साथ ही है, और नेहा भी ऊपर का थोड़ा बहुत काम वगैरह कर रही है। और अभी मुझे नीचे वाले फ्लोर का काम करना है, नीचे रूम का, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है जब मम्मी या बहन होती है तो मेरे को ना काम करने नहीं देती। पर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि काम करना पड़ता है, तो कोई बात नहीं, काम कर लेंगे। बस ये है, काम मैं कितना भी कर लूंगा फैमिली के लिए, तो कितना भी कर लूंगा, बस भगवान ना फैमिली को खुश रखे, बस फैमिली को ठीक रखे ना, बस यही चाहता हूँ मैं तो। और गाइस, मुझे अभी नेहा के साथ ना बैंक में जाना है, पैसे निकालने बैंक से। और गाइस, आप लोगों को तो पता ही है कि कुछ दिनों में दिवाली भी आने वाली है, तो दिवाली में तो मस्त लड़ी लगाते हैं, तो आज हमारे घर में ना मस्त लड़ी भी लग जाएगी। भैया लोग आएंगे बाहर से, इलेक्ट्रिशियन भैया ना, वो लगाएंगे मस्त लड़ी, क्योंकि उनका ना मतलब मस्त हिसाब होता है कि कैसे लड़ी लगाते हैं कैसे नहीं, तो अभी वो आएंगे। बट फिलहाल तो मैं फटाफट रूम की साफ सफाई कर लेते हैं। फाइनली गाइस, साफ सफाई हो गई है, और अभी 2:30 बज रहे हैं, तो थोड़ी देर में बैंक भी चलते हैं। और हाँ गाइस, कल ना मेरे भाई का बर्थडे भी है, तो हम लोगों ने डिसाइड करा था फैमिली ने कि रात को 12 बजे ना उसका केक कट करेंगे, तो सेलिब्रेशन करेंगे। बट उसको नहीं पता ये बात, और बाकी नेक्स्ट डे जो भी कुछ होगा, सरप्राइज वगैरह जो भी कुछ होता है, तो खैर वो आपको पता चल ही जाएगा। तो फिलहाल गाइस चलते हैं बैंक। हाँ, तो फिलहाल गाइस बैंक से भी आ चुके, और हमने खिचड़ी वाली दाल भी ले ली है, क्योंकि निक्की की थोड़ी तबीयत खराब है ना, तो उसके लिए थोड़ा हल्का खाने बेटर है, तो इसलिए हमने खिचड़ी वाली दाल ले लिया। और अब चलते हैं घर। तो फिलहाल गाइस घर पे आ चुके हैं, और अभी फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं, तो अभी केला और फिर सेब, और साथ में डोरेमोन की मूवी भी देख रहे हैं। डोरेमोन इज द बेस्ट। तो फिलहाल गाइस शाम के 5:30 बज चुके हैं, और अभी तक भाई इलेक्ट्रिशियन भी आए नहीं जो हमें लड़ी लगाएंगे। मैं जब से उन्हें फोन कर रहा हूँ, वैसे तो उन्होंने फोन पहले उठा लिया था, मतलब जब मैंने सुबह फोन करा था तो उन्होंने बोलता ठीक है भैया आ जाएंगे लगा देंगे, और कह रहे थे कि भैया आपका हो तो मैं अभी आ जाता हूँ। पर भाई मैं फोन कर रहा हूँ ना, मैं 4:30 बजे से फोन कर रहा हूँ, 4:30 बजे से 5:30 हो गए, 1 घंटे से मैं कंटिन्यू फोन कर रहा हूँ, और भाई फोन ही नहीं उठा रहा है। तो मैंने ख्याल मैसेज छोड़ तो दिया है, फिलहाल देखते हैं। मैं नहीं चाहता ना कि रात में लगा, क्योंकि रात में ना मतलब सही से लग नहीं पाएगी रात में, कि मतलब इधर उधर काम फैल जाता है रात में, ज्यादा दिखता भी नहीं है, तो सही से काम नहीं हो पाता। तो मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी हो जाए, क्योंकि सर्दियों का टाइम है ना, तो 6 बजे ना रात हो ही जाती है। और हाँ गाइस, मैंने अपना ब्लॉग भी अपलोड कर दिया, मैं 5 बजे ब्लॉग अपलोड कर देता ना लॉन्ग, और फिलहाल थोड़ी देर में अपना शॉर्ट ब्लॉग अपलोड करूंगा, और यहाँ मैं अपना ब्लॉग देख रहा हूँ। सो फाइनली गाइस भैया लोग आ गए हैं, और अभी मैंने कॉल करा था ना जब आया भैया, तो 6 बजे फिलहाल अभी चलते हैं ऊपर, ऊपर से स्टार्ट करेंगे लड़ी वगैरह लगाना। तो फिलहाल गाइस छत पे आ गया, और भैया लोग ऊपर पहुंच गए, ऊपर से लड़ी लगाएंगे सामने की तरफ, इधर की तरफ लगेगी, इधर ऊपर से पूरा फ्रंट पे गिरेगी लड़ियाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, कुछ इधर गिरवा दूंगा। तो फिलहाल कैसे मैं ऊपर वाली छत पे आ गया, और यहाँ भैया लोग लगा रहे हैं, और भाई साइड से देखो तुम लोग, साइड नीचे बाउंड्री, उधर भी बाउंड्री, एक बार आगे चल के देखते भाई डर भी लग रहा है यहाँ पर आने में, गिर ना जाऊँ। तो गाइस मैं तो नीचे आ गया हूँ नीचे, और वहाँ भैया लोग लड़ी लगा रहे हैं, क्योंकि भाई ऊपर ना थोड़ी जगह भी कम है, और रिस्क भी ज़्यादा है कि इधर भी गिरने की जगह है, इधर भी गिरने की जगह है, तो कुछ हो ना जाए। तो भैया का तो खैर एक्सपीरियंस है, तो भैया लोग अपनी लड़ी लगाते हैं, और यहाँ पापा भी आ गए। तो गाइस अभी हम आए थे केक लेने विपिन का, और ये भाई केक हमने नहीं मंगाया है, जोमेटो वाला भैया अपने आप लेकर आया, हमने ऑर्डर नहीं कराया। ये विपिन के एक दोस्त ने, विपिन का कल बर्थडे है ना, तो विपिन के एक दोस्त ने ना मतलब हमारे एड्रेस पे करवा दिया है। तो अब मैं तो ये सोचा था कि भाई कौन लेकर आ रहा है, हमने तो ऑर्डर भी नहीं करा, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। धन्यवाद भैया, ठीक ओके। फिलहाल हम चलते हैं घर, केक आ गया भाई का, बर्थडे है, घर में लड़ियाँ लग रही है, पार्टी होएगी। तो फिलहाल कैसे अभी घर चलते हैं, और देखते हैं हमारी लड़ियाँ कितनी लगी है। वैसे किसने भेजा ये बता तो दे,
दुनिया के सामने बता दे आज किसने भेजा है। दोस्त ने भेजा। कौन सा दोस्त ने भेजा गाइस, पूछो इसे कौन सा दोस्त ने भेजा है। ठंडा बाद में होता है, बाद में बताएंगे, बता नहीं रहा ये। तो फिलहाल गाइस हम घर के सामने खड़े हैं और ये देखो तुम लोग धीरे धीरे हमारी लड़ियाँ भी लग रही है। कमेंट करके बताना गाइस कैसी लग रही है। और गाइस ये मैंने इसलिए लगवाई क्योंकि ना कुछ हफ्ता एक हफ्ते हफ्ते बाद भी हमारी दिवाली भी आने वाली है और कल विपिन का बर्थडे भी है, तो मैंने सोचा चलो आज ही लगा देते हैं। तो ठीक है, अभी ये यहाँ से लेके इधर भी आएगी और फिर दो तीन इधर भी आएगी, तो पूरा कवर हो जाएगा फ्रंट से। गाइस आज का टाइटल ये होने वाला है कि विपिन का केक किसने भेजा। विपिन का केक किसने भेजा नहीं वैसे बता भाई, विपिन का केक किसने भेजा। दोस्त ने, दोस्त ने, हाँ दोस्त ने। रिवील होएगा बहुत जल्द, बहुत जल्द, बहुत जल्द होगा। कमेंट करके बताना है कि विपिन का दोस्त हम रिवील करें या ना करें। गाइस मेरे पास तो फोन आया था कि भैया हम आपका केक लेकर आ रहे हैं। तो यार मैं हैरान, मैं तो यार केक भी नहीं मंगाया था। हम लोग गए तो भाई फिर मेरे पास ना एक अननोन से फोन आता है कि विपिन के लिए सरप्राइज है, केक आ रहा है तो केक ले लो। तो यार मैं हैरान, मैं यार मैं ये सोचना पड़ेगा, केक तो ले लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, पर पैसे तो नहीं है हमारे पास। पर फिर बाद में पता चला कि पेड़ था। गाइस एक इंडियन फैमिली की निशानी दिखाऊंगी, देखो लड़िया तो लग रही है मस्त, पर तुमने एक बात नोटिस करी, हमारा तौलिया भारी सूख रखा है। तो गाइस सारी लड़िया लग चुकी है, बट मैं एक बार ऊपर जाके चेक कर लेता हूँ क्योंकि अगर कुछ ढीला वगैरह रह गया तो मैं बता दूंगा। फाइनली गाइस मस्त सारी लड़िया लग चुकी है, तो यहाँ से ऊपर भी लगा रखी है और भैया ने यहाँ से पूरा मस्त लग चुकी है। फाइनली गाइस लड़िया लग चुकी है, भैया ने लगा दी, और ये वही भैया जिन्होंने हमारी अंदर ये वाली लाइट लगाई थी। और बाहर से तुम मस्त देखो लड़ी कितनी कितनी प्यारी लग रही है यार। इधर थोड़ी तार का झंझट आ गया था इसलिए हमने इधर नहीं लगवाई, तो इधर लगवाइए पूरी मस्त। तो फाइनली गाइस लड़ी भी लग गई है और भैया लोग भी चले गए और मम्मी जी भी आ गई है। अब मम्मी जी देख रही है लड़िया मस्त लग रही है ना। तो फिलहाल गाइस रात के 9 बज चुके हैं और अभी खा रहे हैं खाना, खाने में खिचड़ी, क्योंकि आज निक्की की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है ना, तो इसको थोड़ा हल्का। अब ठीक है तू? हाँ। बेटर फील? एकदम बेटर। अब ठीक है। तो फिलहाल गाइस खाना खा लिया और मैं नीचे वाले रूम में आ चुका हूँ और बाकी सब लोग ऊपर बैठे हुए हैं और विपिन भी ऊपर बैठा हुआ है। तो फिलहाल गाइस अब चलते हैं उसके लिए केक लेने, विपिन को नहीं पता है बात, उसे सरप्राइज करेंगे कि 12 बजे केक कट करेंगे। वैसे तो उसके एक दोस्त का ना केक आ चुका है, बट उसको लग रहा है कि ना सिर्फ उसके दोस्त का केक कट होगा, तो हम लोगों ने भी एक प्लान डिसाइड करा है। तो फैमिली को पता बस ये बात, विपिन को छोड़ के सबको पता है। तो चलते गाइस फटाफट केक लेने। और हाँ गाइस बस मैं मजाक कर रहा था, विपिन के एक नॉर्मल दोस्त ने वो केक भेजा है तो बस मैं उसके साथ मजाक कर रहा था, तो ऐसी कोई बात नहीं तो गलत मत समझना। तो फिलहाल गाइस अभी केक लेने आया भैया की दुकान पे, बट जो भैया मैं जानते हैं ना जिससे ये मेरे 50K सब्सक्राइबर का और 10K सब्सक्राइबर का केक ले रहे हैं, वो भैया है नहीं, बट कोई बात नहीं, एक भैया है इनसे केक ले रहे हैं, जैसे एक नॉर्मल केक ले रहे हैं कट करने के लिए। बट जो कल केक कटेगा ना वो मैंने थोड़ा अपना अलग डिजाइन बनवाया है अपने भाई के अकॉर्डिंग। तो गाइस मैं केक टेस्ट कर रहा हूं। वही मत खाना, ये तो ये वाला केक लिया है और मैंने लिखवा दिया ब्रदर। फाइनली गाइस केक ले लिया है, फाइनली गाइस घर पर आ चुके हैं केक लेके, और अभी रात के 10 बज रहे हैं तो अभी 2 घंटे बाकी है केक कट करने में, और मैंने डायरेक्ट जाके केक फ्रिज में रख दिया, तो सरप्राइज करेंगे 2 घंटे बाद केक कट करेंगे और केक आज के ब्लॉग में कट करेंगे, तो पूरा ब्लॉग देखना। और बाकी जैसे भी कल होगा, कल कुछ प्लान वगैरह तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ब्लॉग पूरा देखना, आप लोगों से मिलते 2 घंटे बाद। तो फिलहाल गाइस रात के 11:50 बज चुके हैं और अभी 10 मिनट है बस विपिन के बर्थडे आने में, और अभी हम लोगों ने नीचे जाके देखा तो भाई विपिन आराम से सो रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है कि कोई जगे चाहे ना जगे, फिलहाल हम तो जगे हुए मैं और मम्मी जी। और फिलहाल ये दोनों भी आराम से जगह रखे, वो तो फोन चला रही है अपना, टीवी देख रही है नाटक। ये जब से ने कैंड्रो टीवी लगाया ना, जब से बहुत नाटक देखने लग गई है। अनुपमा देख रहे हो क्या? तो फिलहाल गाइस अभी चलते हैं नीचे, 10 मिनट है बस, दोनों केक निकाल लेते हैं और फिर उसको सरप्राइज करते हैं। तो गाइस 11:57 हो गई और मैं धीरे ब्लॉग इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज विपिन अंदर सो रहा है, और ये रहे दोनों केक, बाकी सब ऊपर से आ रहे हैं धीरे धीरे मुंह धो के क्योंकि सब लोग नींद में भरे पड़े हैं। मम्मी विपिन तो अंदर सो रहा है, अभी उठाएंगे, अभी 2 मिनट है बस, फिर अंदर जाके विपिन को उठाएंगे। चले पहले मम्मी जाके उठाएगी। बर्थडे, हैप्पी बर्थडे गाइस, देखो ये आराम से ना सो रहा था। भाई उठ जा, ब्लॉग में नींद वाली शक्ल दिखाऊंगा तेरी। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू जियो, हजारों साल अनार के दिन हो 50,000। तो फिलहाल गाइस अभी केक कट करते हैं, अपना माँ सब नीचे बैठ गए हैं। भाई अब तो उठ जा यार, हैप्पी बर्थडे है तुम्हारा, तेरा ही बर्थडे है, हमारा नहीं है। हमारा बर्थडे नहीं है। तो गाइस अभी माँ नीचे बैठे केक कट करते हैं, 2 केक है, ये वाला ब्रदर वाला हमारा सरप्राइज, और ये वाला भाई तूने अभी तक नहीं बताया। किसने भेजा हमारे घर? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।
फिलहाल गाइस केक कट कर लिया है और हमेशा की तरह केक कट करने के बाद आप लोगों को पता है क्या होता है, केक पे टूट पड़ो। तो फटाफट केक खाते हैं और सोते हैं। तो फाइनली गाइस मस्त केक कट कर लिया और सेलिब्रेशन भी कर लिया, मस्त मजा आ गया और केक भी खा लिया फटाफट। और थोड़ा बहुत केक बच गया तो वो हम कल गली में बच्चों को बांट देंगे। तो ठीक है गाइस, तो गाइस सब मस्त होने चले गया और मैं भी जाके एडिटिंग करूंगा और फिर ब्लॉग करते हैं एंड। और अब बाकी कल जो भी कुछ प्लान रहेगा वो आपको पता चल ही जाएगा। सो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते गाइस जल्दी के नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।